नमस्कार मित्रों, होली यानी पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमा के दिन यानी भगवान विष्णु और लक्ष्मी का दिन। आज एक ऐसा उपाय बता रही हूँ, भगवान विष्णु लक्ष्मी न केवल आपके घर के भंडार भरेंगे बल्कि ज़िंदगी भर आपको धन की कमी नहीं होगी। लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं बोलूँगी, मेहनत परिश्रम करना बहुत अनिवार्य है। कोई भी उपाय हाथ पर हाथ धर कर बैठने से नहीं मिलता बल्कि पुरुषार्थ करने पर मिलता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि पुरुषार्थ करने वाले मनुष्य का ही वो साथ देते हैं। माँ लक्ष्मी भी कुछ समय तक ही टिकती है ऐसे लोगों के घर में जो धन का दुरुपयोग करते हैं और धन का संचय सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। तो इन सब बातों को फॉलो करेंगे ना और अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन में अपनाएंगे तो कभी धन की कमी नहीं होगी। मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री और मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं ऐसा ही उपाय आपको बेहतरीन बताने जा रही हूँ जैसा मैं आपको अक्सर बताती हूँ। आपको आज क्या करना है, आपको बनानी है आटे की पंजरी और साथ में आपको लेना है मीठा दही। इन दोनों चीज़ों से भगवान श्री सत्यनारायण यानी श्री हरि विष्णु जी की आपको पूजा करके भोग लगाना है और तुलसी पत्र जरूर अर्पित करना पड़ता है। आपको पता ही है विष्णु भगवान की पूजा अधूरी होती है तुलसी के पत्र के बिना, तो ज़रूर उनके सामने बैठें। लेकिन दो शब्द आपको बोलने हैं, वो ये बोलने हैं, हे हरि, हे श्री विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आप साक्षात धन के भंडार हैं। आप जिस पर कृपा दृष्टि डालें ऐसा कौन सा मनुष्य है उसके कष्ट दूर ना हो। इनमें आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज के हिसाब से ट्रांसलेट कर सकते हैं, फिर बदल कर सकते हैं, लेकिन भावना यही रहनी चाहिए। और अपने आगे अपनी जो झोली है उसको भगवान के आगे फैलाएं, आंचल है तो फैलाएं, दोनों हाथ उनके सामने ऐसे फैलाएं जैसे कोई भिक्षुक किसी से भिक्षा मांगता है। भगवान के समक्ष अगर आप भिक्षुक बन के कुछ मांगते हो, क्योंकि देने वाला वही दाता है, उसकी कृपा के बिना कुछ भी किसी इंसान को मिलना संभव ही नहीं है, तो एक भिक्षुक की तरह, एक याचक की तरह परमात्मा के सामने विनती कीजिए, फिर देखिएगा आपके सामने कैसे धन के संकट दूर होते हैं। क्योंकि आपकी भावना वर्क करती है किसी भी काम में। जब आपकी भावना अहंकार वाली होती है, कई लोग तो भगवान को भी कुछ नहीं समझते, भगवान से ही लड़ाई करते रहते हैं 24 घंटे कि तूने मेरे लिए क्या किया, मैंने तेरे को इतने प्रसाद चढ़ाए, वो चढ़ाए, तो ये सारी चीज़ें आपकी नेगेटिव एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाती है। जिस दिन आप इन सब चीज़ों से परे होकर भगवान के सामने एक याचक की तरह खड़े होकर विनती करते हो, उस समय परमात्मा आपके घर में धन के भंडार जरूर भरते हैं। और वैसे भी भगवान अपने असली भक्तों को बिना कुछ शब्द निकाले ही पहचान लेते हैं। आपकी भक्ति में कितनी ताकत आपने पैदा की है सब कुछ उस पर निर्भर करता है। तो ये अगर आप करेंगे, इस तरह के प्रयास आप करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। कोशिश करें कि जो वस्त्रों का रंग है जिस समय पूजा कर रहे हों उस समय पीला या लाल हो।